जीवन में पहली बार देखने को मिला। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बाबा सिद्धनाथ का विशाल प्राचीन मंदिर है, जहां देश में कोरोना संक्रमण के कारण पहली बार देखने में आया है कि मंदिर के पट बंद हैं और नर्मदा स्नान पर पूर्ण प्रतिबंध है। सूर्य ग्रहण के पश्चात माँ नर्मदा गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर सूर्य ग्रहण के पश्चात स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए शासन प्रशासन के द्वारा नर्मदा तटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट पर स्नान करने पहुँचते थे। तहसीलदार राधा महन जी, मैडम आज सूर्य ग्रहण के पश्चात नर्मदा स्नान और अमावस्या भी थी, पूरा घाट सुनने हैं, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या प्रतिबंध था स्नान पर? हाँ, मतलब कल से ही सब कुछ पुलिस व्यवस्था भी थी, पी टी आई थे, सतवास टी आई और कन्नौज टी आई और यहाँ के नेमावर वाले टी आई भी, और सारे पटवारियों की ड्यूटियाँ लगी थी और किसी को भी स्नान नहीं करने दिया। क्या कारण था कि घाट पर स्नान नहीं करने दिया गया? कोरोना से संबंधित थोड़ा सा प्रतिबंध जो लगा हुआ है और उसको देखते हुए प्रतिबंध लगाया है, और सबको सबकी ड्यूटियाँ हर घाट पर लगी हुई उसको देखते हुए। कितने दिन तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा? जब तक सरकार चाहिए। IBN 9 के दर्शकों के लिए हमारी टीम आज पहुँची है माँ नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा का यह वह स्थल है जहाँ पर नर्मदा का नाभि स्थल है। हम देख रहे हैं कि आज सूर्य ग्रहण था, प्रातः 10 बजे से लोग अपने अपने घरों में थे, सिद्ध स्थानों पर थे और जाप कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। सूर्य ग्रहण से क्या लाभ क्या हानि हमको शास्त्रों में हमने देखा, पंडितों ने हमको बताया, विद्वानों ने हमको बताया। सूर्य ग्रहण जैसे ही खत्म हुआ 2 बजे और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग नर्मदा तक सिद्ध क्षेत्रों में स्नान के लिए निकले, लेकिन देवास ज़िले में ये स्थान जो है नेमावर, यहाँ पर प्रशासन ने कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए ये महामारी ज़्यादा ना फैले इसको ध्यान में रखते हुए नर्मदा स्नान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। तो हम देख रहे हैं कि सिद्धनाथ के इस नाभि स्थल पर माँ नर्मदा के तट पर जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, आज पूरा तट वीरान पड़ा हुआ है और प्रशासन मुस्तैदी के साथ श्रद्धालुओं को रोक रहा है और उन्हें इस तट पर नहीं आने दे रहा है। आस्था लोगों की है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद लोग सिद्ध स्थानों पर स्नान करने पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के कारण हम देख रहे हैं कि पूरे घाट वीरान पड़े हैं। प्रदेश में ये कोरोना का जो संकट चल रहा है इस समय, इससे जन जन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देवास जिले के प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। कैमरामैन राकेश के साथ IBN 9 के लिए प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।